पुष्पा मूवी का क्रेज कितना ज्यादा है ये तो बताने की जरूरत शायद आपको नहीं है। तो उसी क्रेज के समुंदर में हम भी डुबकी लगाने चले हैं और आपको बताएंगे आपको भी ऐसा क्रेज अपनी वीडियोस के लिए अगर बनाना है तो इन तीन बातों का ध्यान खास आपको रखना पड़ेगा, आपके कलर्स, आपकी ऑडियो और आपकी वीडियो। और इन्हीं तीनों चीजों का आज हम ब्रेक डाउन करके दिखाने वाले हैं ताकि आप अपनी वीडियोस को बेहतर बना सके। सबसे पहले कलर ग्रेडिंग की बात करें तो कलर्स देखो इन्होंने सबसे ज्यादा कॉमन यूज किए हैं जो है हमारे टील एंड ऑरेंज, सबसे ज्यादा पॉपुलर ये हमारा कलर पैलेट है और ये काफी ज्यादा मूवीज के अंदर यूज होता है। अब ट्रेलर के सारे स्क्रीनशॉट्स ले लो, सारे सीन्स उठा लो, आप कोई सा भी, ये दो कलर्स आपको हर जगह दिखाई देंगे, या तो टील या फिर ऑरेंज। अब ये जो लुक है ना, ये लुक बनाना बहुत ही ज्यादा आसान है अगर थोड़ी बहुत आपको कलर ग्रेडिंग आती है तो। और अगर बेसिक कलर ग्रेडिंग पे आप नहीं सीखना चाहते तो ये सेम लुक आप अपनी वीडियो में सिर्फ दो क्लिक्स के अंदर कर सकते हैं। अब ये दोनों क्लिक्स किधर करने हैं ये मैंने अलग अलग वीडियोस में सिखा रखा है, वो जाके देख लेना इस वीडियो के बाद। अब दो चीजें यहाँ पे इंपॉर्टेंट रह गई, आपकी वीडियो और आपकी ऑडियो। अब वीडियो की बात करें तो दो विजुअल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, एक जो आम जनता के विजुअल्स है जिनके ऊपर पुष्पा का काफी ज्यादा इम्पैक्ट है, दूसरे जो पुष्पा को ढूंढने में लगे हुए हैं। अब देखो मैंने पुष्पा 1 तो नहीं देखी है तो, लेकिन विजुअल देख के भी समझ आती है यहाँ पे एक चीज कि जो पुष्पा है वो KGF की तरह ही सीन है यहाँ पे, कि आम जनता के ऊपर उसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट है, वो काम तो वो गलत ही कर रहा है लेकिन वो फिर भी लोगों के लिए हीरो है। दूसरी तरफ वहीं पे सरकार जो है उसको ढूंढने में लगी हुई है। ऑडियो की बात करें तो ऑडियो भी हमारी दो पार्ट में डिवाइड है, हमारी सॉफ्ट और सिनेमैटिक। सॉफ्ट जो म्यूजिक है हमारा उनके लिए रिप्रेजेंट किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि जो आम जनता है जिनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ा, टीका हार्ट ऑपरेशन हुआ उसका पैसा पुष्पा नहीं दिया, जब उनकी बात आती है उनके इमोशंस की बात आती है तो वह हमारा सॉफ्ट म्यूजिक आता है, इमोशंस आते हैं वहाँ पे लोगों के। अब जो सिनेमैटिक म्यूजिक है वो ऐसा नहीं कि यहाँ पे किसी को ढूंढने के लिए है, सिनेमैटिक म्यूजिक यहाँ पे पुष्पा को रिप्रेजेंट करता है बेसिकली, कि जो पुष्पा करेक्टर है वो लार्जर देन लाइफ है, वो कितना बड़ा इंसान है कि उसको पुलिस ढूंढना दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। वहां पर वो पुष्पा को म्यूजिक रिप्रेजेंट कर रहा है कि वो जो म्यूजिक है इतना सिनेमैटिक है कि जो करेक्टर है हमारा वो मूवी से बहुत बड़ा है। इन सब के ऊपर आ जाता है हमारा इनका बैकग्राउंड म्यूजिक। अब म्यूजिक जो है पूरी फिल्म को कुछ हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं कि कहाँ पे अच्छा म्यूजिक होगा कहाँ पर बुरा म्यूजिक। बुरे से मेरा मतलब बुरा म्यूजिक वाला म्यूजिक नहीं, बुरे से मेरा मतलब कि कहाँ पर वो बैड वाइब्स आ रही है, कहाँ पर वो गुंडे आ रहे हैं, कहाँ पर विलन आ रहा है, कहाँ पर हीरो परेशान हो रहा है, वहां पर आता है हमारा सारा बैड म्यूजिक। और गुड म्यूजिक होता है हमारा कहाँ पे वो सिनेमैटिक है, हीरो की वो ग्रैंड एंट्री होती है, कहाँ पर वो लोगों के इमोशंस जागते हैं कि सारी जनता इकट्ठी हो गई, कहाँ पर दंगे हो रहे हैं किसी अच्छी चीज को लेके। तो वो हमारे दो पार्ट्स हो जाते हैं कि गुड म्यूजिक कौन सा है हमारा और बैड म्यूजिक कौन सा है हमारा। और पुष्पा मूवी के अंदर बैड म्यूजिक अभी तक तो नहीं दिखाया ट्रेलर के अंदर, क्योंकि सारा कुछ हमें सिर्फ पुष्पा की ग्रैंड स्केल को और ज्यादा ग्रैंड बनाने में ही ट्रेलर के अंदर लगा दिया गया है, तो सारा कुछ अभी तक गुड म्यूजिक वाइब पे ही चल रहा था। तो ये तीन हिस्से है हमारे पुष्पा मूवी ट्रेलर के। ये तो था हमारा फर्स्ट लुक ब्रेकडाउन जो मैंने पहली बार ट्रेलर देखा और मैंने यहाँ पे ब्रेकडाउन किया। अब आपको कौन सा पार्ट अच्छा लगा वो आप कमेंट करके जरूर बताना। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए